वार्म ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग रूल 42 डिस्कस कर रहे हैं। और रूल 42 है क्या? मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल देयर ऑफ। इसमें याद रखिएगा, रूल 42 में कैपिटल गुड्स नहीं है। कैपिटल गुड्स हम लोग रूल 43 में डिस्कस करेंगे, और इसका इस तरह का टेबल है जो लंबा चौड़ा टेबल है, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन फिलहाल रूल 42, और याद रखिएगा ये शीट आप खरीद सकते हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और taxbykk.com में भी लिंक मिल जाएगा। तो हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है taxbykk.testprize.in में, जो भी GST प्रैक्टिशनर का एग्जाम दे रहे हैं उन वहाँ पर इनको मिल जाएगा। अब रूल 42 है क्या? देखिए, जनरल रूल मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनवर्ड सप्लाई का क्रेडिट तभी मिलेगा अगर आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल होगा। तो अगर आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई होगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगा, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हमने इसी टेबल पे बताया हुआ, इनवर्ड सप्लाई में आपने टैक्स दिया होगा, क्रेडिट क्वेश्चन मार्क है। आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है, ये क्रेडिट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो नॉट अवेलेबल। आपका आउटवर्ड सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तब भी नॉट अवेलेबल है। और अगर आपने इनवर्ड सप्लाई खरीदा और उसको नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने लगे, यानी कि पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने लगे, तो भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो आपने राशन की दुकान चलाते हैं, मैगी खरीदी और घर में यूज कर लिया, तो उस मैगी का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने पेपर खरीदा, उससे बुक्स भी बनाई और कॉपी भी बनाई। बुक्स एग्जेम्प्ट सप्लाई है और कॉपी टैक्सेबल सप्लाई है। तो ये पेपर जो इनवर्ड सप्लाई है उसका पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, और आपको ये क्रेडिट अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। तो रूल 42 यही अपोर्शनमेंट ही बता रहा है बेसिकली। ठीक है, तो रूल 42 का हमने ये एक्सेल शीट बना दिया। सिंपली डेटा एंटर कीजिए, आपको हर मंथ का क्रेडिट कितना रिवर्सल करना है ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये शीट कैसे काम करेगा देखिए। ये जितने भी ग्रीन पैच हैं यहीं पर डेटा एंट्री होगा, और हमने यहाँ लिख भी दिया एंटर डेटा हियर। यहाँ रूल 42 बेसिकली कॉमन क्रेडिट आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि वो इनवर्ड सप्लाई विच आर यूज्ड बोथ फॉर एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई। फिर उस कॉमन क्रेडिट को वो अपोर्शनमेंट कर देगा इन द रेशियो ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई टर्नओवर एंड टैक्सेबल सप्लाई टर्नओवर। बस यही कर रहा है। तो इसी को हमने डेटा के रूप में लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले जुलाई मंथ का आपको बताता हूँ एक बार। जुलाई महीने में जो पहला टी जिसको कह रहे हैं, और आप रूल में भी देखिएगा उसमें टी लिखा हुआ है, और ये कहता है कि जितना भी इनवर्ड सप्लाई हुआ है आपका, चाहे वो ब्लॉक क्रेडिट हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई का हो, या कुछ भी हो, आप सारा का सारा आप यहाँ लिख लीजिए। IGST, CGST, SGST और SES सेपरेटली कैलकुलेट होगा, याद रखिएगा। तो टोटल ITC इन्वॉल्व इंक्लूडिंग ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद अब आप उस इनपुट और इनपुट सर्विसेज को आइडेंटिफाई कीजिए विच आर एक्सक्लूसिवली, हेलो एक्सक्लूसिवली, इसको भूलिएगा मत, ये कॉमन क्रेडिट नहीं है, एक्सक्लूसिवली एट्रिब्यूटेबल टू अदर देन बिजनेस। यानी कि आपने AC खरीदा अपने घर के लिए, तो उसका तो ITC मिलेगा ही नहीं आपको, तो वो एक्सक्लूसिवली एट्रिब्यूटेबल टू अदर बिजनेस। मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा स्पेशली अपने बच्चों के लिए, तो वो उसका ITC नहीं मिलेगा। आपने मैगी खरीदा घर में खाने के लिए, उसका भी ITC आपको नहीं मिलेगा। तो ये ITC एक्सक्लूसिवली एट्रिब्यूटेबल टू अदर देन बिजनेस, तो इसका आपको ITC नहीं मिलेगा। तो ये तो आपने पहले जोड़ी दिया था 1000 में, ये 250 माइनस कर देंगे वहां से। इसके बाद ITC एक्सक्लूसिवली, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, एट्रिब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। आपने पेपर खरीदा सिर्फ कॉपी बनाने के, तो आपने पेपर खरीदा सिर्फ किताबें बनाने के लिए, तो आपको पता है इट इज इजीली आइडेंटिफाइड कि दिस इनपुट, दिस इनवर्ड सप्लाई इज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने बुक्स ट्रांसपोर्ट किया, कुरियर किया, तो वो इनपुट सर्विस है, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एट्रिब्यूटेबल, एक्सक्लूसिवली एट्रिब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई है। और फिर ब्लॉक क्रेडिट, उसका तो मिलता ही नहीं है, उसको भी हटा दीजिए। तो जो बचेगा क्रेडिट, टोटल क्रेडिट टू बी क्लेम, तो 250 रुपीज, तो हमने एंट्री करी की हुई है, तो ये 250 रुपए है जिसका आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन अब ये 250 में आपको वो आइडेंटिफाई करना, वो क्रेडिट विच आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बोथ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाईज, वो भी हटा दीजिए। मान लीजिए मैं 10 रुपए हटा देता हूं इसमें, तो अब जो बचा है ये है कॉमन क्रेडिट। दिस मींस दैट कि दिस क्रेडिट, दिस इनवर्ड सप्लाई इज यूज्ड फॉर बोथ मेकिंग
एग्जम्प्ट सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई. लेकिन अगर इफ यू आर यूजिंग एनी इनपुट और इनपुट सर्विसेज फॉर पर्सनल पर्पस, तो वो आपसे पूछता है वेदर कॉमन क्रेडिट इज ऑल्सो यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो यहाँ पर यस और नो है. तो अगर आप नो कर देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने यस किया तो ये 5% ऑटोमेटिकली 5% ऑफ C2 यानी कि कॉमन क्रेडिट, ये ऑटोमेटिकली रिवर्स कर देता है, रिवर्स कर देता है. क्लियर है? अब कहानी आप समझिए, ये जो 16.80 रुपए निकाले हैं वो कैसे निकले? जुलाई मंथ का हम लोग IGST का कैलकुलेट कर रहे हैं. ये कॉमन क्रेडिट आ गया 240 रुपए. अब ये क्या करेगा, इसको इस 240 रुपीज को अपोर्शनमेंट करेगा एग्जम्प्ट सप्लाई टर्नओवर और टैक्सेबल सप्लाई के टर्नओवर से. अब हम लोग जुलाई मंथ का आपसे कह रहे हैं कि टर्नओवर एंटर कीजिए, टर्नओवर ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई, टर्नओवर ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल. याद रखिएगा ये एग्जम्प्ट टर्नओवर का स्पेशल डेफिनेशन रूल 42 और 43 के लिए यूज है. ठीक है, तो वैसे तो इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई होता नहीं है, तो इनवर्ड सप्लाई का भी, लेकिन टर्नओवर यहां पर एड हो रहा है. उसके बाद टर्नओवर ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, तो अगर आप सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं उसका भी टर्नओवर ऐड हो रहा है, लेकिन ओनली 1%. इसीलिए आप देखिए 15, इसको अगर आप इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये 20 आना चाहिए, लेकिन 20 नहीं आ रहा है, इसका 1% जोड़ने के बाद आ रहा है, इसीलिए ये आंसर है. और फिर अगर आपने लैंड और बिल्डिंग बेचा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग वो भी जोड़, तो ये टोटल एग्जम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर आ जाएगा, टोटल टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर आ गया, टोटल टर्नओवर आ गया. अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में इस 240 को हमने डिवाइड कर दिया, देखिए क्या है, C2 है इनटू E 15.5 यानी कि एग्जम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, तो रेशियो से आ गया. तो ये जो 16.80 रुपए क्योंकि हमने एग्जम्प्ट टर्नओवर से मल्टीप्लाई किया है तो ये इन एलिजिबल क्रेडिट आ गया, और एक इन एलिजिबल क्रेडिट 5% का आया था, तो टोटल इन एलिजिबल क्रेडिट कितना आ गया, ये 1.79 आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पर यस किया था, कि आपने कहा था कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज आर यूज बोथ फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन बिजनेस पर्पस यानी कि पर्सनल पर्पस. अगर मैं नो कर दूंगा तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा, तो आपने क्योंकि इसको यस किया था इसीलिए ये 5% ऑफ 240 इनएलिजिबल कर दिया, और ये 1.79 टर्नओवर के कारण आए, इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल इनएलिजिबल क्रेडिट आ गया. तो एलिजिबल क्रेडिट कितना हुआ, कॉमन क्रेडिट में से 240 माइनस 13.79, और ये 10 रुपए इसका तो क्रेडिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज दिस ITC यूज एक्सक्लूसिवली फॉर बोथ टैक्सीबल सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई. तो हमने 226 प्लस 10 को जोड़ के 236.21 लिया. यही 236.21 को GSTR 3B में आपको शो करना था. कहाँ शो करना था मैं आपको बताता हूँ. हमने और एक एक्सेल शीट बनाते हैं GSTR 1 और 3B की, जिसमें आप सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई का डेटा एंटर कीजिए, ये सारा बना के दे देता है. तो ये जो आप टेबल 4 देख रहे हैं, एलिजिबल ITC, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इनवर्ड ऑल अदर ITC, यहां आपको लिखना है. ठीक है, फिर आपको ITC रिवर्स एज पर रूल 42 एंड 43 वो यहां लिखना था, और अदर्स एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 वो यहां लिखना. तो मुझे क्योंकि GSTR को अभी आए हुए एक साल हुआ है, शुरुआत के महीने में तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा था हो क्या रहा है, तो बहुतों ने बहुत कुछ गलती की होगी. तो 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये डेट बढ़ा दे, लेकिन फिलहाल 20 अक्टूबर लास्ट डेट है. जितनी भी गलतियां हैं वो आप सुधार सकते हैं, अगर हुई है तो वापस. तो ये जुलाई का कैलकुलेट हो जाएगा. इसी तरह से ये जब आप ये सारा टर्नओवर अगस्त सितंबर से लेकर मार्च तक का एंटर कर देंगे, तो ये हर मंथ का ये यहाँ पर ये अगस्त का कैलकुलेशन हो रहा है, ये सितंबर का कैलकुलेशन हो रहा है, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारा कैलकुलेट होगा. इसके बाद ये कह रहा है भैया ऐसा है आपको ईयरली कंप्यूटेशन भी करना पड़ेगा. तो अब ईयरली कंप्यूटेशन कैसे होगा, हमने क्या किया, 9 मंथ का सारा डेटा कॉपी कर लिया यहाँ पर, प्लस कर लिया, और इनफैक्ट हमने यहाँ तक प्लस किया कॉमन क्रेडिट तक. लेकिन इस कॉमन क्रेडिट को इससे पहले हम लोग जो इनएलिजिबल निकाल रहे थे वो मंथ वाइज के टर्नओवर के बेसिस पे एट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग निकालेंगे पूरे 9 महीने के टर्नओवर को जोड़ के, यानी कि ये वाले टर्नओवर को जोड़ के. तो पहले हम लोग मंथ वाइज टर्नओवर के अकॉर्डिंग रेशियो निकाल रहे थे,
अब टोटल टर्नओवर के बेसिस पे हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं। आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई इन एलिजिबल क्रेडिट, ये रेशियो से आ गया, ये वाला फॉर्मूला से। इसके बाद वो 5% वाला हम लोग प्लस कर रहे हैं मंथ वाइज, क्योंकि ईयर वाइज तो प्लस हो नहीं सकता। अब टोटल इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट एडेड टू आउटपुट टैक्स, जो हमने मंथ वाइज हर मंथ में जो हमने ऐड किया, और फिर हमने इन ईयरली वाइज ऐड किया, यानी कि इन दोनों को जोड़ के जो ये आ गया, यानी कि इन एलिजिबल क्रेडिट आपका एक्चुअल में इतना होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐड सिर्फ इतना ही किया, तो एक्स्ट्रा और कितना ऐड करना, इतना ऐड करना, तो ये इतना ऐड होगा, ये इन एलिजिबल क्रेडिट है, ये आपके आउटपुट टैक्स में ऐड हो जाएगा। किस मंथ के रिटर्न में आपको भरना है, ये जो सितंबर के रिटर्न में, यानी कि जिसका 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसमें ये ऐड करना है। तो उम्मीद है कि मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। अगर नहीं हो पाता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वारी भेज सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। व्हाट्सअप करना इसलिए आसान है कि मुझे ऑडियो मैसेज देना मेरे लिए बहुत आसान है, टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये शीट आप खरीद सकते हैं, और इसमें अभी रूल 43 हमने डाला हुआ है, इसका वीडियो हमने नेक्स्ट कल परसों में डालेंगे, लेकिन आप इसे खरीद सकते हैं। और एक बार खरीद लेने के बाद आपको हम एक इनवॉइस भेजते हैं, जिसमें एक डाउनलोड फाइल का भी बटन होता है, वो डाउनलोड फाइल का बटन आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अगर कोई भी अपडेशन किया है तो आप सिंपली उस डाउनलोड बटन के फाइल को आप क्लिक करेंगे तो अपने आप अपडेटेड शीट डाउनलोड हो जाती है। तो अभी इसका प्राइस आप देख लीजिएगा YouTube के डिस्क्रिप्शन में कितना लिखा हुआ है, और जैसे जैसे हम इसमें और ऐड करते जाएंगे, हम लोग प्राइस बढ़ाते जाएंगे इसका। चलिए, बाय बाय।